हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डाउट बुक के नए वीडियो पर। जैसा कि आपने देखा कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं, टायर वन के और शिफ्ट टू का एग्जाम एनालिसिस हम लोगों ने जैसे टायर वन के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस किया था, उसी प्रकार हम लोग टायर वन के शिफ्ट टू का भी एग्जाम एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे मैथ में क्वेश्चन आया था ए प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी प्लस सी का होल क्यूब, इससे रिलेटेड एक मैथ में एक क्वेश्चन आया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया, तो आप यहाँ पर पुरस्कार से भी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, पुरस्कार से क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है नंदवंश का अंतिम शासक, जैसे इसमें आपका अंतिम शासक पूछ लिया गया था, उसी प्रकार पिछले वाले शिफ्ट में उसका प्रारंभिक शासक पूछा गया था, यानी उसका संस्थापक कौन है ये पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी गोड फेस्टिवल, या ये भी आप फेस्टिवल तैयार कर लीजिएगा। अजात शत्रु किसका पुत्र था, जैसे बिंबिसार का, तो आप ये भी जरा तैयार करिएगा। इसका नाम जैसे कुणिक वगैरह कहा जाता है इसको, तो इस प्रकार से मौर्य डायनेस्टी से भी और मगध डायनेस्टी से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक, ओलंपिक यानी करंट से क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंग्लिश का आया था, विशेष मीनिंग आपको इंग्लिश में पूछी गई थी। नेक्स्ट है ओनियन से कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है मिरर इमेज से क्वेश्चन, जैसे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है मिरर इमेज, पेपर कटिंग से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है और पेपर फोल्डिंग से भी एग्जाम में क्वेश्चन मिल रहा है। एक क्वेश्चन आपको कैलेंडर का भी मिल रहा है। और नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर बोरा केप्स, जैसे महाराष्ट्र में स्थित है, एक एग्जाम में क्वेश्चन यानी एक केप से क्वेश्चन देख लीजिएगा। पिछले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो वैली से क्वेश्चन पूछे गए थे दो, एक जैसे अराको वैली पूछी गई थी आंध्र प्रदेश वाली, उस प्रकार से इसमें जैसे केप से क्वेश्चन आ रहा है। फिर एक क्वेश्चन साइंस में ग्लैंड से, विच ग्लैंड प्रोड्यूस ग्लैंड, और मतलब ये ठीक कौन सी ग्लैंड से कौन सा रस निकलता है, इसे भी जरा तैयार करिएगा। नेक्स्ट है लेडी गार्डन, यानी ये जो लोधी का जो गार्डन है ये कहाँ पर स्थित है, यानी मिडेवल में आप देख रहे होंगे कि आर्ट एंड कल्चर पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से शासक ने कौन कौन से गार्डन का निर्माण कराया है। आ कशेरुकी से क्वेश्चन आया था, कशेरुकू और आ कशेरुकी आप देख लीजिएगा। स्नेल से क्वेश्चन आया जिसे हम लोग गोंगा कहते हैं, इससे संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एसिड से आया हुआ है, तो यानी एसिड और बेस भी आप देख करके एग्जाम में जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन है नेशन ब्रांड रैंकिंग, यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था नेशन ब्रांड रैंकिंग में इंडिया का स्थान कौन सा। जैसे कि आपको मालूम होगा कि नेशन ब्रांड रैंकिंग में इंडिया का स्थान फर्स्ट है, इंडिया का स्थान सेवन है और यूएसए का स्थान फर्स्ट है, सॉरी। तो इसको आप देख लीजिएगा, यानी ब्रांड रैंकिंग से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक का एक पार्क पूछा गया था, यानी नेशनल पार्क ये भी संबंधित है। ये जो एग्जाम का एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो नहीं पता चला है, लेकिन एक कर्नाटक के एक नेशनल पार्क से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कर्नाटक के एक नेशनल पार्क में, जैसे कि आपको मालूम होगा कि कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है, तो पिछले हफ्ते उसमें एक प्राकृतिक घटना घटी थी, आग लग गई थी, तो उससे संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। हाँ, जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया वगैरह के जंगलों वाले एकदम क्वेश्चन हाईलाइटेड है, जरा इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन डेथ से पूछा जा रहा है, बुक और ऑर्थर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे अमित शाह के द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, जैसे इस शिफ्ट में अमित शाह के द्वारा लिखी गई पुस्तक पूछी गई है। नेक्स्ट है फिर गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे अवार्ड में एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि रंगनाथन अवार्ड जिसमें नरेंद्र मोदी ने दिया है ये किसको दिया गया है, तो इस प्रकार यानी अवार्ड से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जुड़े रहिए आप डॉट बुक के साथ, और आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको हर शिफ्ट का हर क्वेश्चन, रीजनिंग हो, जीएस हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, सभी का यहाँ पर एनालिसिस कराया जाएगा। और बहुत अच्छे से आप मन लगा करके इस वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को इम्प्रूव करें। थैंक यू क्लास।